हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार आज हम लोग बात करेंगे ट्रू स्टोरी। ये एक लिमिटेड सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। टोटल 7 एपिसोड से और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 27 मिनट से लेके 58 मिनट्स की, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिलती है। शो में हमें नजर आते हैं केविन हार्ट और वेस्ली स्निप। केविन हार्ट की मूवीज तो आप लोगों ने देखी होगी रिसेंटली, रॉक के साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी मूवीज बनाई है जो कि धमाका मचाई, और वेस्ली स्निप जो कि है एके फॉर्मर ब्लेड। तो यार ये दोनों अगर किसी सीरीज में हो, वो सीरीज मैं ना देखूं ऐसा इम्पॉसिबल है। हालांकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग थिंग फ्रॉम दिस सीरीज, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार एक बार तो देखनी बनती है। खैर शो की कहानी सिंपल सी ये है कि केविन हार्ट यहाँ पर एक मूवी स्टार है, एक कॉमेडी स्टार है जिसका नाम है द किड। अब इसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की की डेथ हो जाती है। वो डेथ होती कैसी है, फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो यार सिंपल सी बात यह कि ये शो फोकस करता है एक स्टार पे, एक मूवी स्टार पे, कॉमेडी स्टार पे, लेकिन उसकी मूवीज या उसके कॉमेडी शोज पे नहीं बल्कि उसके पर्सनल लाइफ में। यानी कि हमको एक स्क्रीन पर या हम किसी भी स्टार को फॉलो करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो एक बहुत ही फेमस नाम है, तो वो बहुत ही खुश रहता होगा। लेकिन एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जो हमें पर्दे पर नज़र आता है उसका काफ़ी उल्टा होता है। यानी कि उन स्टार्स की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो लोग जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकालते उन सारी चीज़ों को। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली जो मतलब आपको पूरी तरह से एंगेज रखेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये शो मास्टरपीस है, ये बहुत बेस्ट है, लेकिन ये एक डिसेंट थ्रिलर शो है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख सकता है अगर आप देखना चाहो तो। शो में कैरेक्टर्स की बात करते तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, लेकिन जो दो मेन कैरेक्टर है यानी कि द किड और कार्टन, यानी कि जिस कैरेक्टर को यहाँ पर वेस्ली स्निप ने प्ले किया कार्टन के, ये दोनों कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा और उनके अंदर के जो बदलाव है या जो जो चीज़ें या डार्क साइड है वो आप लोग इजीली शो में फील कर सकते हो। शो में जो कुछ छोटे मोटे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। उसके बाद शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बीजीएम भी अच्छा है, और अगर डायरेक्शन की बात करो तो वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। डायरेक्टर ने इस शो को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, और राइटर की बात करो तो भाई नार्कोस और नार्कोस मैक्सिको जिस बंदे ने लिखा था उसने इस शो को लिखा है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी मेरे लिए, और ठीक ठाक ही रहा ये शो। और हाँ भाई, इसका जो टाइटल है ट्रू स्टोरी, इसको देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होना। खैर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो केविन हार्ट और वेस्ली स्निप ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे प्ले किया। बाकी इसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, ये शो फैमिली के साथ बैठ के मत देखना क्योंकि काफ़ी बैड वर्ड्स आपको इसकी हिंदी डबिंग में सुनने को मिलेंगे, और कुछ एडल्ट सीन भी है, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ एडल्ट सीन है और थोड़े बहुत वॉयलेंस के सीन से, बस एकदम वॉयलेंस के सीन तो ना के बराबर है। तो बस फिर भी आप लोग अकेले देखो तो ज़्यादा बेटर है। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ डिसेंट शो, देखना तो देखो, अदरवाइज नहीं भी देखोगे तो कोई था बिग डील नहीं हो जाएगा। और यस, शो की कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो बस यार इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय।